हेलो फ्रेंड्स, NiSM ट्यूटोरियल्स में मैं सौरभ खटी आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ते हैं यूनिट 11 की मॉक टेस्ट हेल्पिंग इन्वेस्टर्स विद फाइनेंशियल प्लानिंग। शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर वन। इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ वेल्थ साइकिल एन इन्वेस्टर टेंड्स टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक असेट्स इन हिज पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर वन इक्विटी, ऑप्शन नंबर टू डेट, ऑप्शन नंबर थ्री गोल्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू डेट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ अ वेल्थ साइकिल के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इन्वेस्टर कौन से असेट क्लास में अपना प्रोपोर्शन बढ़ाता है, मतलब कौन से असेट क्लास में ज़्यादा पैसा निवेश करता है, ऐसा ये सवाल है। तो सबसे पहले वेल्थ साइकिल जो होता है वो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे दो तरह के अप्रोचेस होते हैं पोर्टफोलियो बनाने में। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, उनके हिसाब से वो जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो दो तरह से बनाते हैं, दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है लाइफ साइकिल अप्रोच और दूसरा होता है वेल्थ साइकिल अप्रोच। तो जो लाइफ साइकिल अप्रोच होता है, लाइफ साइकिल अप्रोच में क्या होता है कि एज के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। जनरली 21 साल से 25 साल के एज में कम लाइबिलिटीज होती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ये एज के साथ में। वैसे रिटायरमेंट के फेज में जो होता है उस वक्त में ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ज़्यादा इक्विटी में पैसा नहीं लगाते, बराबर है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल, एज के हिसाब से प्लानिंग करना है, ये पोर्टफोलियो बनाना। दूसरा होता है वेल्थ साइकिल। वेल्थ साइकिल मतलब सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई 21 साल का लड़का है या लड़की है और उनके माँ बाप नहीं है, छोटे भाई बहनों की मतलब पढ़ाना है, शादी भी करनी है, खुद का भी एजुकेशन करना है, तो वो 21 साल के होने के बावजूद भी लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शायद कैपेबल नहीं रहेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो वेल्थ साइकिल जो होता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है, तो अभी लाइफ साइकिल का तो एज के हिसाब से चलता है, वेल्थ साइकिल जो होता है उसके फेजेस होते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो फेज है लाइफ वेल्थ साइकिल का, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वलेंट टू रिटायरमेंट। इसको हम रिटायरमेंट बोल सकते हैं या इसे रिपिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिटायरमेंट के फेज में इन्वेस्टर क्या करता है, अपना जो पोर्टफोलियो है वो कौन से असेट क्लास में, जैसे इक्विटी एक असेट क्लास हो गया, डेट एक असेट क्लास हो गया, गोल्ड, तो कहाँ पे ज़्यादा पैसा या प्रोपोर्शन बढ़ाता है। तो उसका ऑप्शन डेट इसलिए है क्योंकि डेट जो असेट क्लास होता है उसमें रेगुलर इनकम मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बैंक FD, इट इज़ अ डेट इन अ पोर्टफोलियो, ठीक है। सो बैंक FD जैसे प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड के जो रेगुलर इनकम वाले जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे शेयर बाजार में पैसा नहीं जाता है, ऐसे असेट क्लास में वो अपना पोर्शन जो है, प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर इज डेट, इक्विटी में नहीं बढ़ाता है और गोल्ड इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट असेट क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ वेल्थ साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ वेल्थ साइकिल इज पैरेलल टू द रिटायरमेंट फेज ऑफ अ लाइफ साइकिल, ट्रू आर फॉल्स। चूज योर ऑप्शन। अभी हमने डिस्कस किया ये, ओके। सो एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। अभी हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ अ वेल्थ साइकिल, वेल्थ साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, लाइफ साइकिल में उसे ही रिटायरमेंट फेज कहते हैं, दोनों एक ही है। और इसी का तीसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या रिटायरमेंट या रिपिंग, REAPING, रिपिंग, इसे भी रिटायरमेंट फेज ही कहते हैं। वेल्थ साइकिल में कभी उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, कभी आपको एग्जाम में रिपिंग भी पूछ सकते हैं। तो रिपिंग का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही रिटायरमेंट फेज, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर डॉटर्स मैरिज इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर वन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान, ऑप्शन नंबर टू गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान, ऑप्शन नंबर थ्री फाइनेंशियल गोल एंड ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन। ओके एंड द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल गोल। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर डॉटर्स मैरिज मतलब शादी, बच्ची की शादी के लिए फंड अलोकेट करना, इसे ये किस चीज़ का एग्जांपल है? तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान ऑप्शन नंबर वन भी समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव में आता है कि पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब जितने भी मेरे गोल्स है, बाकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, मेरा कर्जा कम करना है, वॉट एवर, जितने भी मेरा जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसे कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, सो सिर्फ डॉटर के मैरिज के लिए मैंने अलोकेट किया तो ये मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लान नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, दूसरा है गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर गोल के लिए, तो यहाँ पे हमने डॉटर्स के मैरिज के लिए पैसा अलोकेट किया है, ये पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर गोल के लिए है, तो इसे गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अलोकेट किया है, लेकिन अलोकेट कितना किया है तो ये यहाँ पे समझाया नहीं है, कब कब शादी है, कितने दिनों में शादी है, कितने महीनों बाद शादी है, ये कुछ भी बात नहीं की है, तो प्रॉपर प्लान नहीं हुआ है ये, इसीलिए गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान भी नहीं है ये। हाँ, बच्ची के शादी के लिए पैसा अलोकेट करना है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल गोल है, ये एक हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको फाइनेंशियल गोल कहा गया है। ठीक है, आपको ये इन तीनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता कि बच्ची की शादी 4 महीने बाद है, उसके लिए 50 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है और इसके लिए ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हम गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, फर्स्ट फेज ऑफ अ वेल्थ साइकिल इज, ऑप्शन नंबर वन ट्रांजिशन फेज, ऑप्शन नंबर टू इंटरजनरेशनल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर थ्री एक्यूमुलेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर रिपिंग। चूज योर ऑप्शन। ओके एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री एक्यूमुलेशन फेज। वेल्थ साइकिल के जो फेजेस होते हैं, सबसे पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, नेक्स्ट फेज इज ट्रांजिशन, ठीक है, उसके बाद में इंटरजनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर, और चौथा फेज जो होता है वो होता है रिटायरमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाकी के जो फेजेस है उसके बारे में आने वाले सवालों में हमें समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, सो एक्यूमुलेशन ये जो फेज होता है ये सबसे पहला फेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, अ हाई अमाउंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज सजेस्टेड टू द इन्वेस्टर इफ ही और शी इज इन अ स्टेज और फेज, ऑप्शन नंबर वन ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर टू इंटरजनरेशनल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर थ्री एक्यूमुलेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज रिपिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। चूज योर ऑप्शन। ओके सो द करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज एक बार हम समझ लेते हैं। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि ये एक ऐसा फेज होता है जब एक्यूमुलेट, हम बोलते हैं ना एक्यूमुलेट करना, जमा करना, जब लाइबिलिटीज बहुत कम होती है, निग्लिजिबल होती है, सिर्फ पैसा जमा करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। सो लॉन्ग टर्म अगर है तो यहाँ पे इक्विटी से अच्छा क्या हो सकता है, बराबर है, इसीलिए अ हाई अमाउंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज सजेस्टेड, ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट सजेस्टेबल है एक्यूमुलेशन फेज में। तो एक्यूमुलेशन फेज में क्या क्या करते हैं इन्वेस्टर,
लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं। अगर आपको कोई एक्युमुलेशन फेज के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये तीन पॉइंट याद रखने हैं। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर ज़्यादा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन्वेस्टर इन रिपिंग फेज वुड प्राइमरीली इन्वेस्ट इन ऑप्शन नंबर 1 इक्विटी, ऑप्शन नंबर 2 सिक्योरिटीज यील्डिंग रेगुलर रिटर्न्स, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। चूज योर ऑप्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सिक्योरिटीज यील्डिंग रेगुलर रिटर्न। सबसे पहले रिपिंग फीस मतलब याद करने की कोशिश करिए। सवाल क्या है? रिपिंग फीस जो है उसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। सो रिपिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के फेज में इन्वेस्टर ऐसी जगह पे निवेश करना पसंद करेगा जहाँ से उसको रेगुलर इनकम आ सके। ठीक है? सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ये सही है, सिक्योरिटीज यील्डिंग मतलब उसको यील्ड को रिटर्न बोलते हैं, तो रेगुलर रिटर्न्स मिलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पैसा डालने की कोशिश करेगा, उसमें ज़्यादा पैसा डाला जाएगा रिपिंग फेज में, इक्विटी में नहीं डाला जाएगा क्योंकि ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है और ये रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में जो कमाया हुआ पैसा है उसको सही जगह पे लगा के रेगुलर इनकम लेने की सभी इन्वेस्टर की इच्छा रहती है और इट इज सजेस्टेबल ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रांजिशन फेज ऑफ वेल्थ साइकिल एन इन्वेस्टर टेंड्स टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक असेट्स इन हिज पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 1 इक्विटी, ऑप्शन नंबर 2 सिक्योरिटीज यील्डिंग रेगुलर रिटर्न्स, ऑप्शन नंबर 3 लिक्विड, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज गोल्ड। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 लिक्विड। एक्युमुलेशन फेज हमने समझी, एक्युमुलेशन फेज में क्या होता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में ज़्यादा पैसा डालते हैं। रिटायरमेंट फेज या रिपिंग या डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझा, उसमें रिटायरमेंट के लिए मतलब सिक्योरिटीज जहाँ से रेगुलर यील्ड आता हो, रेगुलर रिटर्न आता हो, वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी ट्रांजिशन फेज विच इज़ द सेकेंड फेज ऑफ अ वेल्थ साइकिल, ट्रांजिशन फेज में क्या होता है एक्चुअली, तो एक्युमुलेशन के बाद आता है ट्रांजिशन। तो जो जमा किया हुआ पैसा है वो पैसे से कुछ पैसा निकाल लिया जाता है शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए। जैसे एग्जांपल, मैंने जब मैंने जॉब के लिए शुरुआत की एग्जांपल, तो मैंने पैसा जमा किया 10-15 लाख रुपया जमा किया। अभी मुझे कार लेनी है, तो कार लेने के लिए मुझे पैसा मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद में मैं कार खरीदूँगा। बराबर है? इसीलिए ये जो फेज है शॉर्ट टर्म गोल अचीव होने के लिए आ जाते हैं। कार लेने के लिए मैंने बहुत पहले सोचा था लेकिन उस वक्त में मेरे पास में पैसे ही नहीं थे। अभी मेरा एक्यूमुलेट हो गया है, पैसा जमा हो गया है, अभी मैं पैसा निकालता हूँ, मतलब मैं ट्रांजिशन फेज में आ गया हूँ कि मेरे नियर टर्म गोल जो है वो अचीव होने के लिए आ गए हैं। इसके लिए मैंने अभी तक जो पैसा सेव किया है उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लेता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए सेव कर ही रहा हूँ। बराबर है? इस फेज को कहते हैं ट्रांजिशन फेज। तो ट्रांजिशन फेज में ये सवाल क्या है, इन ट्रांजिशन फेज ऑफ वेल्थ साइकिल एन इन्वेस्टर टेंड्स टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ कौन से असेट्स, तो लिक्विड असेट्स। क्यों? क्योंकि जब तक मैं मेरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट नहीं करूँगा तब तक मैं कार नहीं खरीद पाऊंगा। इसीलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लिक्विड असेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गोल बेस्ड अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑप्शन नंबर 1 टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, ऑप्शन नंबर 2 अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ इन्वेस्टर, ऑप्शन नंबर 3 रिस्क प्रोफाइलिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4
इन्वेस्टेबल सरप्लस ऑफ द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर. चूज योर ऑप्शन. ओके एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ द इन्वेस्टर. सी क्वेश्चन में ही आंसर है गोल, गोल बेस्ड फाइनेंशियल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. गोल बेस है मतलब गोल को फोकस करके फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया जाता है. एक दूसरा तरीका होता है जो हमने समझा था वो है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग. उसमें सभी को मिला के मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान किया जाता है सभी गोल को मिला के. गोल बेस में होता है किसी पर्टिकुलर एक गोल को ध्यान में रख के ही प्लान बनाया जाता है. जैसे कि कार खरीदना, घर खरीदा, बच्ची की बच्चे का एजुकेशन या बच्चे की शादी के लिए प्लान करना, ये हो गया एग्जांपल ऑफ गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 years. ट्रू और फॉल्स. चूज योर ऑप्शन. ओके एंड द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो गोल खत्म होने तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है. इट कैन बी 5 years, 10 years, बट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो चलते जाता है. वो डिकेड्स जब तक आप जिंदा है तब तक उसको प्लानिंग हमेशा कुछ नया चेंजेस होगा, आपका एम्प्लॉयर चेंज होगा, आपका सैलरी चेंज होगा. तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो लंबे समय तक चलेगा. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 5 years और 10 years और 20 years. जब तक आप है तब तक फाइनेंशियल प्लान जो है वो चलता रहेगा क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती रहेगी. ठीक है इसीलिए ये जो क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है ये गलत है. कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. जब तक आप है तब तक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान रहेगा. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इन्वेस्टर्स have similar requirements at similar stage in the life and wealth cycle approach. Choose your option, true or false. The correct answer is false. यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि सारे इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल अप्रोच में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में हमने समझने की कोशिश की थी कि 21 साल का कोई लड़का या लड़की है और वो लाइफ साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो उसे कोई टेंशन ही नहीं है, रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. मेरा अरे क्योंकि 21 साल का है ना, अभी पेरेंट्स रहते हैं, डिपेंडेंट्स कम रहते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन अगर ऐसी रही कि उनके माँ बाप नहीं है, बच्चों को अपने भाई बहनों को पढ़ाना है, उनकी शादी करानी है, खुद को भी पढ़ना है, खुद की भी शादी करनी है, तो ऐसे कभी भी इन दोनों फेज में ये सेम नहीं रिक्वायरमेंट रहेगा. बराबर है इसीलिए ये सिमिलर नहीं होता है. क्लियर है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए. ऐसे और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे NiSM के ये जो मॉक टेस्ट के वीडियोस है, इसके अलावा हमने कंटेंट के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं. चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है. आपको ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी. एक एडवाइस है, अगर आपने वो कंटेंट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट के वीडियोज़ देखिए. सो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. ऑल दो ये जो मॉक टेस्ट की वीडियोज़ है इसमें हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं कंसेप्ट, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पहले जो कंटेंट वाले जो वीडियोज़ है वो आप देख लीजिए. ठीक है सो आपके दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई एम सौरभ खटी, थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.